प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू से तहसील लडबड़ोल के व्यापारी वर्ग नाराज है। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार को 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन करना चाहिए था। कोरोना कर्फ्यू प्रदेश सरकार ने लगा दिया है, लेकिन इस व्यवस्था से तहसील क्षेत्र लडबड़ोल के व्यापारी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि सरकार को कोरोना कर्फ्यू न लगाकर संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए था, ताकि इस बढ़ते कोरोना को कम किया जा सके। व्यापार मंडल लडबड़ोल के पूर्व प्रधान रणबीर ठाकुर ने बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाने का जो निर्णय लिया है, उससे अच्छा होता कि प्रदेश सरकार को 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। हाल ही जो अभी संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में सरकार ने कुछ बंदिशें लगाई हैं और कुछ दुकानें खुली और कुछ बंद करने की बात कही है, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा निर्णय इसमें सरकार को सोचना चाहिए। इसमें 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए था, ताकि ये जो कोरोना की चेन है ये सही महीने में टूटती और उसके बाद जो परिस्थितियां शायद अलग होती। सरकार ने जो एक 10 दिन का जो कर्फ्यू का जो घोषणा की है, तो ये जो है वो अगर संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन जो है वो होता, सभी दुकानें, जितना भी जो किराने की दुकानें हैं, दूसरी दुकानें जो है वो बंद होती, तो इससे जो है वो ये जो कोरोना की जो चेन जो फैली हुई है उसको टूटने में मदद मिलती। उज्ज्वल हिमाचल के लिए लडबड़ोल से लकी शर्मा। पंचशील नर्सिंग होम, नगरोटा बगवा।